आप तमाम नाज़रीन का एच के ए न्यूज़ में इस्तकबाल है। मोहम्मद मंसूर चौधरी साबिक सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश यूथ विंग रियासत तेलंगाना ने फिरोज़ खान नामपल्ली उम्मीदवार को बतौर वोटर का जवाबी जवाब दिया। इन्होंने फिरोज़ खान के बयान की मजम्मत करते हुए उनके गैर शाइस्ता अल्फाजों पर बरहमी जाहिर की। इन्होंने फिरोज़ खान को अपने दायरे में रहकर बात करने के लिए कहा और इन्होंने मज़ीद कहा कि फिरोज़ खान मुसलमानों के ताल्लुक से बात ना करने की बात कही। सुनते हैं मज़ीद तफसीलात मोहम्मद मंसूर चौधरी की ज़ुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, एक्स प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश तेलंगाना यूथ विंग। मैं दो रोज खबर जैसे हमारे फिरोज खान नामपल्ली कैंडिडेट कांग्रेस के जो है उनका एक बयान सुना और मैं उनके बयान का जो मजम्मत करता हूँ, जिसमें उन्होंने गैर शाइस्ता अल्फाजों में और वोटरों को जो सो जायज नाजायज बताते हुए मैं एक वोटर की हैसियत से जो सो उनका जो सो काउंटर देना चाह रहा हूँ। मैं कोई सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं हूँ। उन्होंने वोटरों को जो सो जायज नाजायज बोल दिए और अपने बाप का नाम जो भी है जो भी बोलना था आपको देखिए, आप एक अल्फाज का सही इस्तेमाल कर सकते थे और सही दायरे में जो सो बोल सकते थे। सबसे पहले तो चीज और आप जो सो मुस्लिम क़यादत की जो बात करते हैं, मुसलमानों के ताल्लुक से जो भी बात कर रहे हैं और मुस्लिम पार्टी जो है MIM के ताल्लुक से जो भी बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं, आप तो मुसलमानों की बात ना करें तो बेहतर है। आपका दूर दूर तक जैसे मुस्लिम कल्चर से लेना है ना देना है, आपका कल्चर ही अलग है, आपका किरदार ही अलग है। पहले आप अपना मुहासवा कर लीजिए। आप सियासत की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने अतीत में झांकिए। आपकी शुरुआत कहां से हुई थी? आपकी जो शुरुआत हुई थी ना, जेसी दिवाकर रेड्डी के बसा धोते थे आप, उनके बसा धोते हुए जैसो आप उन्होंने आपका साथ दिए, लेकिन आप उनको हाथ दिए। उसके बाद में उनको हाथ दे के एमपी में गए, TDP में जाके चंद्रा बाबू के नायडो के जैसे जूतों में चप्पलों में बैठते थे, उनका साथ लिए, उनका साथ लेके फिर उनको भी हाथ दिए। फिर उसके बाद में कांग्रेस में आए आप, कांग्रेस में अब आके एक हाथ एक पर कांग्रेस में है और एक हाथ एक पर जैसा आपका BJP में है। आप BJP में पूरी जैसा आप पूरी भरपूर कोशिश करें BJP ज्वाइन करने की, लेकिन BJP वाले आपको धुतकार के फेंक दिए, क्योंकि जैसो आपका कोई हॉल फेल नहीं, हमेशा जैसो आपकी फितरत में है धोखा देना और हमेशा हर किसी को हाथ दिए। जो आपको जो शुरुआत करे थे जैसी दिवाकर रेड्डी, जो जिसके जूते पैरों जूते चप्पलों में जो बैठते थे आप, उनके बसा धो लेते हुए उनको हाथ दिए सवाल है, तो आप कौम के कहां से होंगे, हमारे मुसलमानों के कहां से होंगे? आप मुस्लिम शहादत की बात करते हैं और आप हमेशा जैसो काम करते हो बोल के बोलते हैं, लेकिन आपका क्या है बताइए? और आप जो पार्टी को जो चैलेंज कर रही और जो कायदीन को जो चैलेंज कर रही, उनको चैलेंज करने से पहले अपना मुहासवा करिए। आप क्या करें जिसको आप चैलेंज कर रहे हो? उन्होंने 3-4 नस्ल से जैसे हमारी उम्मत मुस्लिमा की खिदमत कर लेते आ रही, वो लोग जितनी खिदमत कर रहे हैं आप क्या करें? देखिए आपकी एक भी खिदमत है क्या? और जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं, हमारे असद साहब के जूती के धूल के बराबर भी नहीं है। आप जो आप बोल रहे हैं इलेक्शन यहां से इलेक्शन ऐसा कर रहे हैं, बोकसिंग कर रहे हैं, और सबसे पहले तो बोकसिंग के जो भी आप बात बता रहे हैं, आप नामपल्ली छोड़ के इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? सिर्फ नामपल्ली में ही है क्या आपको बोकसिंग यही दिख रहा है क्या? नामपल्ली छोड़ के लड़ो, आपकी जमानत जब्त हो जाती। और आप सबसे पहले तो उम्मत मुस्लिमा की बात आइंदा मत करो और वोटरों को जैसे इस तरह बुरा भला मत करो। मैं सियासी पार्टी से कोई वाबस्ता नहीं हूं, मैं एक एज ए वोटर तुम्हारे को काउंटर दे रहा हूं। आइंदा जैसो देख के अपनी जबान को जैसो काबू में रखते हुए बात करो। सबसे पहले आप पहले तो मगरिब के बाद में आप पहले टुन हो जाते थे, जो दिल में हिल लेते ढुल लेते रहते थे, बोल लेते रहते थे। अब दिन दिवाले चालू कर लिए क्या पीना? दिन दिवाले जैसो आप टुन हो जा रही क्या? हिंदी वाले टून हो गए, आपको बात करने की तमीज ही नहीं है। एक जगह खड़े रह के बात करना सीखो, फिर आपको मशवरा है। बात करने से पहले पहले खिदमत करने से पहले स्पीच देना सीखो, बोलना सीखो, एक जगह ठहरे रहना सीखो। मुर्गी की गर्दन की तरह जैसे हिलेते ढुलते न करो और आइंदा जैसे वोटरों को देख समझ के बात करो। और कभी तक कांग्रेस जैसे क्या करी बताओ? कांग्रेस जैसे खुलिशों के लिए क्या करी? इतने बकरीद के टाइम पे इतने गाड़ियां पकड़े गए, कांग्रेस का कौन सा लीडर आके करा काम? कोई जने काम करे, कोई एक जिन्हें काम नहीं करे ना, खुद तुम काम करे, कभी काम करे कभी बोलो। और मैं देखिए हमारे बरादरान कुरैश से भी जो अपील करता हूँ, तेलंगाना के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, निजामबाद, बोधम, कोरटला, कामारेड्डी, मेदक, महबूब नगर, जहीराबाद, करीम नगर, ये जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्टों में बरादरान कुरैश है, उनसे मैं अपील करता हूँ, अब के जो हमारे तेलंगाना में सियासी हालात जो करवट लिए हैं, नया रंग लिए हैं,
हमारे को हमारा वोट सही तरीके से इस्तेमाल करना है और हमारे को हमारे जो भी खिदमात देते हैं उनको इस्तेमाल करना देते हैं उनको इस्तेमाल करना है और जो फिरका परस्त ताकतों से हमारे को जितना नुकसान है RSS बजरंग दल ये लोगों को हमारे को नाकाम करना है और इनके शागिर्दों को इनके चेले चपाटों को भी नाकाम करना है हमारे को और हमारा वोट का सही इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे इलेक्शन के सामने हम जो हमारे ब्रादर ने खुरेश का वोट किसके हक में देना है और अगर हमारी वहां पे खियादत नहीं है तो फिर किसके हक में देना है इंशाल्लाह ताला हम वो जब तय करेंगे।